नमस्कार दोस्तों, MS ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो हरियाणा डी ग्रुप के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें हम जो मैथ के क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो सैटरडे को हुआ था उसका मैथ के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, कई चैनल पे ये एक आध क्वेश्चन के आंसर गलत बता रखे, तो हम पूरा सॉल्व करेंगे इनको। निम्नलिखित में से फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समानांतर श्रेणी बनाता है? तो इसका सॉल्यूशन रहेगा दोस्तों हमारा, देखो दोस्तों, ये ए बी सी ऑप्शन है, तो इनमें कौन सा आंसर है? तो इनके बीच में अंतर देखेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे और इनका अंतर सेम आना चाहिए, तभी समानांतर श्रेणी बनेगी। तो दोस्तों, इसमें देखो, इसमें जीरो का है सेकंड, वन में से वन गए जीरो, टू में से वन गए वन, टू में से टू गए जीरो, तो ये समानांतर नहीं है। तो अगला देखते हैं, 0.33 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 0.03 आएगा, तो ये सॉल्यूशन भी कर रखा है। अगले में देखो, ये थर्ड में से टू कटाएंगे, ये 0.333 माइनस 0.33, तो ये माइनस करेंगे तो 0.003, ये भी समानांतर नहीं है। अगला देखते हैं, 1/2, 1/4, 1/8, ये भी दोस्तों समानांतर नहीं है, इसको हम माइनस करेंगे तो 1/4 माइनस के 1/8 इनमें से माइनस के ये आ जाएंगे, तो ये भी समानांतर नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, √3, √12 में से माइनस करेंगे, √12 क्या आता है, 2√3, 2√3 में से √3 माइनस करें, √3 बचेगा, और ये क्या होता है, 27, 2√3, 3√3 में से 2√3 माइनस करेंगे तो √3, ये क्या है, 4√3, 48 का 4√3, इसमें से 3√3 माइनस करेंगे √3, तो ये अंतर सेम है, इसलिए क्या है, समानांतर, ये समानांतर श्रेणी है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, यदि बिंदु 2.4 और -4 और 3 के बीच की दूरी 10 है तो हमारी वाई का मान ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों, इसमें क्या है, ये 10th NCERT की बुक से लिया गया है क्वेश्चन, सारे सारे NCERT बुक से लिए गए हैं। ये हमारे ऑप्शन है दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों, जो दूरी निकालने का है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच में दूरी का सूत्र है x2 - x1 इसका स्क्वेयर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वेयर, इसका होल, इसका रूट आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये x1 y1 y2 y1 x2, ये क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों, ये x1 है, ये x2, ये y1, ये y2, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों, और सॉल्यूशन करने के बाद हमारा आंसर ये आ जाएगा, ये बनेगा दोस्तों y = 11, y = -5, तो हमारा क्या आ जाए, ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं दोस्तों, थर्ड है क्वेश्चन हमारा, इसमें है देखो, इसमें जो 13 क्वेश्चन है, एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है, यदि उस संख्या में 18 जोड़ा जाए तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोस्तों, 4 और 2, इसको अंकों को जोड़ेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या नहीं बनेगी, 4 और 2 6, 6 को 4 से 24 बननी है, तो ये नहीं होगा, इन दोनों में से होगा दोस्तों। देखो, दो और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक संख्या में अपने अंकों के योग को 4 गुना, यदि उस संख्या के 18 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, सीधा ही ऑप्शन ए तो आएगा ही नहीं दोस्तों, हम वैसे भी 4 और 2 6, 6 को 4 से गुणा 24 बनता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे। देखो दोस्तों, 24 है दूसरा ऑप्शन, तो 2 × 4, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को और 4 को हम जोड़ेंगे 6, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, 24, 24 में 18 जोड़ेंगे तो 42, अगर 42 का हम इंटरचेंज कर देते हैं इनके अंक, तो 42 का क्या, 24 बन जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, ये क्वेश्चन हमारा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। ऑप्शन हमारा 19, 18, 16 और 20, इसका सॉल्यूशन है दोस्तों,
देखो दोस्तों, फर्स्ट जो हमारा सर्कल है ये, सेकंड ये, इसकी R1 रेडियस है 13 सेंटीमीटर, R2 है 6 सेंटीमीटर, और इनका रिजल्टेंट क्या है, इनकी दोनों जो परिधि है इनके योग के बराबर है। तो इनकी परिधि 2πr1 2πr2 इसका प्लस 2π कैपिटल R। दोस्तों इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो 2πr1 प्लस R2, इसमें 2π बड़ा R जो कैपिटल R, तो 2π से 2π कैंसिल, यहाँ पे R1 13 है, 6 है, इनको ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो इसका जो हमारा लार्ज, जो हमारा इनकी दोनों परिधियों के योग के बराबर जो इसकी परिधि है, इस वृत्त का हमारा क्या आ जाएगी रेडियस है, त्रिज्या 19 आ जाएगी दोस्तों। तो हमारा ए इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 19 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा मैथ का। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर। √5x² माइनस 8x प्लस 3√5 इक्वल टू 0 समीकरण का हल है। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन देखना है क्या रहेगा, ये सॉल्यूशन है दोस्तों इसका। तो इस समीकरण को हल करेंगे दोस्तों, ये कॉमन चीज़ है दोस्तों इसका। देखो इस समीकरण को हल करेंगे तो गुणा करने पर हमारा 15 आना चाहिए और जोड़ करने पर हमारा माइनस का 8 आना चाहिए दोस्तों। तो इसका दोस्तों इसका क्या बनेगा, जोड़ा बनेगा -5 और -3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और जोड़ करेंगे तो -8। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, इसमें पुट करके वैल्यू को ये कॉमन ले लेंगे और एक्स की वैल्यू -√5 और एक्स की वैल्यू 3/√5, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा ए आंसर हो जाएगा, √5 और कॉमा 3√5। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा मैथ का। ये देखो दोस्तों हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यदि m cot a इज इक्वल टू n, तो इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, सॉल्यूशन हमारा ये m cot a इज इक्वल टू n। तो कोट ए इज इक्वल टू एन बाई एम, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, और कोट क्या होता है, कोस बाई साइन, और कोट ए क्या होगा, कोस ए अपॉन में साइन ए, तो एन अपॉन एम, कोस ए की वैल्यू एन, साइन ए की एम। तो इसमें हम ये वैल्यू को पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए की जगह एम, एम इंटू एम, माइनस कोस ए की जगह एन, तो एन इंटू एन, बीच में माइनस, अपॉन में एन इंटू कोस ए, कोस ए की वैल्यू एन है, एन इंटू एन, प्लस साइन ए की वैल्यू एम है, तो एम इंटू एम, तो ये क्या जाएगा, एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, एन स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सी हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसमें जो 50 नंबर क्वेश्चन हमारा वो देखेंगे हम। एक व्यक्ति अपने पुत्र के जन्मदिन पर कुछ लड़के और लड़कियों को निमंत्रण करता है, और लड़कों की संख्या लड़कियों की से 2 कम है, उसमें प्रत्येक लड़के को 10 रुपये, प्रत्येक लड़की को 20 रुपये, यदि यदि उसके द्वारा बांटी गई कुल राशि 280 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये हमारा ऑप्शन है 25, 10, 8 और 15। तो सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों, ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का। इसमें मान के करेंगे दोस्तों, माना लड़कियों की संख्या एक्स, लड़कों की संख्या x-2, 2 कम है, और इसमें रुपये कितने बांटे हैं। देखो दोस्तों, लड़कों के पास कितने रुपए दोस्तों, 10, प्रत्येक के पास 10 है, और लड़के कितने, x-2, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x-20। और लड़कियों के पास कितने रुपए दोस्तों, ये देखो लड़कियों के पास प्रत्येक के पास 20 रुपये, तो लड़कियां कितने, x, तो x इंटू 20, 20x, तो कुल राशि कितनी है, 280। तो लड़की को कितने राशि मिली, 20x, जो हमने पीछे किया है, और लड़के को राशि कितनी मिली है, 10x-20। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों की राशि कितनी है, 280। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो x क्या आएगा दोस्तों, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या x-2। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों, मानना जो हमने x-2, तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो 10-2 इज इक्वल टू 8। तो सी हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन 8 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया और दोनों मुख आने की प्रायिकता क्या होगी। ये प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसके ऑप्शन रहेंगे 1/2,
वन बाई थ्री, वन बाई फोर, तो ये हमारे ऑप्शन है। तो हमारा सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या संभावना क्या रहेगी दोस्तों। एक सिक्का है, दो सिक्के ले रखे दोस्तों, या तो हेड आएगा या तो हेड हेड, दोनों एक साथ हो, हेड हेड आ सकता है दोनों में, टेल टेल भी आ सकता है दोनों में, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या पूछ रहा है, दोनों मुख खाने की प्रायिकता। मुख मान लेंगे दोस्तों हेड या फिर टेल, कुछ भी मान लो हेड मान लिया, तो दोनों मुंह खाने की यानी दोनों हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, एक बार एक, तो जो ऊपर जो आती हमारी आनी है वो ऊपर आ जाएगी, और टोटल जो आउटकम है, टोटल आउटकम कितनी है, हेड हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल, चार है, तो 1/4 हमारा डी हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले तीन घनों के आसनों को जोड़ा गया और परिणामी ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये दोस्तों ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 175 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 135 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर ये 51 का हम 52 का सॉल्यूशन देखते हैं इधर। तो ये हमारे क्यूब है दोस्तों, 5 की इसकी जो डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेड, हाइट, जो 5 5 5 है, तो तीन दे रखे हैं इनमें, तो तीनों को हम सरफेस टू सरफेस जोड़ते हैं दोस्तों। तो जो लेंथ है वो तीनों को जोड़ेंगे तो 5 + 5 + 5 15 हो जाएगी, और ब्रेड 5 ही रहेगी, हाइट भी 5 रहेगी दोस्तों। तो ये फॉर्मूला है जो क्षेत्रफल निकालने का, एरिया निकालने का, 2 × LB + BH + HL³ ब्रैकेट के अंदर। तो L कितना है 15, B कितना है 5 + 5 × 5 + 5 × 15, तो ये सोल्व करेंगे 350 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 350 हमारा आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, C हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 55 इसके अंदर है, इसमें डिवाइड करना है दोस्तों p² - 6p + 7 को p-1 से विभाजित करिए, तो कौन सा आंसर होगा। शेष बताना, में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, या जीरो आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा सॉल्यूशन है दोस्तों, इसको डिवाइड, सिंपल डिवाइड करना है दोस्तों, p-1 से करना है p² - 6 इसको, तो शेष हमारा क्या आएगा, 2 जो रिमाइंडर बचेगा, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो धनात्मक हमारा आंसर, ए हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखते हैं दोस्तों हमारा 58 नंबर क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु 5 गुना है, तो इनका रेशो मान लेंगे दोस्तों, 5 वर्ष पहले 1:5, 3 वर्ष के पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3 गुनी हो गई, मतलब 1:3 हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन है हमारा 10 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा सोल्यूशन है दोस्तों, पहले क्या है, 5 वर्ष पूर्व 1:5, पुत्र की 1, पिता की इतनी, तो दोस्तों 3 वर्ष बाद क्या है, 1:3। सबसे पहले इनका जो डिफरेंस है वो सेम कर लेंगे, तो डिफरेंस सेम करेंगे तो मतलब 2:6 लिख सकते हैं, तो 1/1:3 होगा 2:6। तो देखो 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, और 5 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो ये हमारा रेशो सेम हो गया। अब क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में अंतर कितना है, ये 5 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद है, तो 5 और 3 8 का अंतर, बीच में 8 आ गया, तो 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, ये 5 वर्ष पूर्व की आयु आ गई, 8 और 40, 8 पुत्र की 40 पिता की। हमें क्या है, वर्तमान निकालनी है पुत्र की, तो 8 में 5 प्लस करेंगे, देखो 5 वर्ष पहले है, और वर्तमान में जाने के लिए इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा 8 के अंदर, तो ये 13 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। अगला दोस्तों, इसमें अपने आप करना है दोस्तों, ये दो बहुपदी है, px है 4x² + 2x - 5a का शून्य है, एक शून्य है, दो इसका एक शून्य है, तो एक मान ज्ञात करना है, तो बी आंसर आ जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।